इधर से राइट, सॉरी। ऊपर में देख सकते हैं उनका बनावट जो है काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए रास्ता, झूमरा से अगर आप लोग आइएगा तो देखिए सवर्णा नदी होकर ही आपको गुजरना पड़ेगा। देख सकते हैं पतला संकरे पुल है और नदी देख के काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, नज़ारा काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लोग झूमरा से आते हैं तो ये दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए इतने चुनौतीपूर्ण रास्तों से होकर हमें जाना है। देखिए रास्ता। तो दोस्तों अभी हम लोग झूमरा बाजार शिव मंदिर से ये वाले रोड पीछे देख रहे हैं, यही रोड से हम लोग आ सकते हैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है संकट मोचन, दूरी 8 किलोमीटर, ये वाले रास्ता से हम लोग चलेंगे। दोस्तों मंदिर अभी पहुँचने ही वाले हैं हम लोग, 8 किलोमीटर ही है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इसका बुनाई मंदिर का लैंडमार्क। देख सकते हैं वीर कुमार सिंह का ये प्रतिमा जो है, भव्य प्रतिमा। तो इधर आपको दिख रहा होगा आगे एक रास्ता, उधर से आप लोग झूमरा से आइएगा तो ये साइड से आइएगा और फिर जस्ट उसके अपोजिट साइड ये वाला रास्ता, ये इचाक होके ही आप आइएगा। और इधर से आपको यहाँ से सीधा उनाई मंदिर जाने के लिए यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, और अगर झूमरा तरफ से आते हैं तो उधर से राइट, सॉरी इचाक से आते हैं तो लेफ्ट जाना पड़ेगा आपको, और झूमरा साइड से आते हैं तो आपको राइट लेना पड़ेगा। ये वाला रास्ता देख सकते हैं फोर व्हीलर जा रही है। तो हम लोग चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 7 करोड़ का मंदिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग खड़े हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो आज हम लोग, ये भाई लोग ये तो जान ही रहे हैं रोहित, और ये हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भैया थोड़ा। हमका इंट्रोडक्शन, तो आज हम लोग आए हैं कहाँ है भाई? संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर है, देख सकते हैं। इसकी जो लागत है कितने है भाई? 7 करोड़ रुपए। सोच सकते हैं 7 करोड़ और 10 साल की मेहनत से ये बना भव्य मंदिर हनुमान संकट मोचन
क्या जो हमारा जो पीछे आप लोग देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल खूबसूरत और डिजाइनिंग काफी बहुत ही बेहतरीन है। रामायण है रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधी जन करिए कथा श्रवण श्री राम की, सब सुधी जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। साथ ही साथ अंदर जो इनका इंटीरियर है वो भी आपको दिखलाएंगे। श्री रघुवंशी दशरथ नृपति चार प्रतापी पुत्र हैं, सबसे बड़े श्री रामचंद्र हैं जिनके नाम सहस्त्र हैं। ज्ञान वशिष्ठ से लेकर आए और तारका पे जय पाए, हो शिव धनुष को सहज उठाई सीता पत्नी रूप में पाई। राधा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड, सामना करत लखन रघुराई और कपीश भी गदा उठाई। उत्षठ माया भी भयकारी राम कपीत सदाचारी। आप पीछे देख रहे हैं काफी शानदार और भव्य मंदिर है जो कि पुनाई में स्थित है, हजारीबाग के इचाक और दारू प्रखंड के बीचों बीच पुनाई नामक गांव पे स्थित है। देख सकते हैं ये 2 एकड़ में पूरा एरिया इसका फैला हुआ है। और इस मंदिर की खास बात ये है दोस्तों कि जो ये डिजाइन देख रहे हैं, ये जो डिजाइन है मुंबई के फेमस आर्किटेक्ट रोहित कुमार ने डिजाइन किया है। पूर्ण धर्म स्थापन लाई, युद्ध लड़े हनुमत रघुराई। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दुष्ट तनुज चक्रास्त्र मारा किंतु कपीश विफल पर हारा, पवन तनय विपत्ति निवारे काज सवारे संकट टारे। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला। और बात किया जाए इसके इंटीरियर की दोस्तों, इंटीरियर राजस्थान के फेमस का नाम है बाबू चौधरी, उन्होंने डिजाइन किया है। और यहाँ पे जो मिशन काम करने के लिए लाए गए थे वो कोलकाता के सारे थे। जा ही रहे थे तो एक अंकल मिल गए, यहाँ से देख सकते हैं काफी अच्छे अंकल हैं। उन्होंने बताया कि यहीं पे पास में एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही ये भी भव्य मंदिर है, देख सकते हैं ऊपर में, देख सकते हैं उनका बनावट जो है काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। Thank you.
मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं दोस्तों। अंकल थोड़ा बताइए कि यह मंदिर कब से बना, कब बना? ये बना तो मैंने 5 साल पहले इसमें काम लगा, 5 साल हो गया। तो दोस्तों 5 साल लगा इस मंदिर को बनने में, तो ये कहाँ है अंकल थोड़ा ये बता दीजिए। उनाई में है, उनाई जगह का नाम संकट मोचन मंदिर के बगल में है। बगल में दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे भी अगर संकट मोचन मंदिर आप लोग आते घूमने तो यहाँ पे भी आइए, इसका भी बनावट काफी अच्छा है, तो ये भी काफी अच्छा मंदिर है। देवी माँ के यहाँ पे ये मंदिर है, ये पूरी गांव पुनाई गांव का मंदिर है दोस्तों। काफी अच्छा प्लेस है, शांत प्लेस है। तो चलिए हम लोग यही दिखलाने की कोशिश किए कि यही अंकल हमारे मिले रास्ता में बोले कि एक और मंदिर है, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लोर कर लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा थोड़ी लगता है यार, सब्सक्राइब कर दो। Every single day.